ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि एग्रीमेंट हो गया कॉसम एंड मारी टारगेट्स, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, लास्ट वीलॉग के अंदर हमने आपको कहा था कि मार्केट आपकी रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट मजीद रिकवरी को स्ट्रॉन्ग करेगी और तेजी के ट्रेंड की तरफ मूव कर जाएगी। आज का सेशन हायर सेट पर होगा, लेकिन आपने प्रॉफिटिंग के ऊपर तवज्जो देनी है। आज हमने देखा कि मार्केट ने हाई लेवल ब्रेक किया 78,800, जो कि लेवल आपको बताया गया था। मार्केट ने हाई बनाया, तकरीबन 948 पॉइंट का इजाफा हुआ मार्केट के अंदर और मार्केट क्लोज रही 695 पॉइंट प्लस के साथ, 78,569 के करीब मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है। वॉल्यूम्स में इजाफा रहा, वॉल्यूम में देखा जाए तो आज इजाफा नहीं हुआ, कल इजाफा था, 420 मिलियन के आज वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 491 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि वॉल्यूम में भी अगर हम देखें तो स्लाइटली कमी थी, लेकिन कल वॉल्यूम ज्यादा थे। अच्छा, साथ ही अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर देखें जो आपके सामने ही, सेक्टर वाइज अगर हम पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में कमर्शियल बैंक आज टॉप पे रहे, सेकंड नंबर पे ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर, फूड सेक्टर, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, रिफाइनरीज, इनमें हमने गिरावट देखी। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज मार्केट ने एक अच्छा परफॉर्म किया और मार्केट की स्टार्टिंग में एक अच्छी न्यूज थी कि जो यानी कि IPPs मुआहदे खत्म करने का फैसला किया गया, जिसमें 15 कंपनी है जिनका IPPs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उनको खत्म किया जाएगा। उसी वजह से आज कैपको को लेकर प्रेशर भी था और बाकी भी पावर सेक्टर्स वाले जो स्टॉक्स थे उनमें थोड़ा प्रेशर भी नजर आ रहा था। ये हो जाता तो ये बहुत अच्छा है, हमारी मैशियत के लिए बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग यानी कि एक चीज होगा। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो चीन में अपराध जर तो से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि इस वक्त आप सुन रहे होंगे रजिस्ट्रेशन के मामला चल रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक हिट कर सकता है। अच्छा, बोलान कास्टिंग ने ऑर्डर्स में कमी के बाइस पैदावार मुअत्तल कर दी है, प्रोडक्शन को रोक दिया है, तो ये बोलान कास्टिंग के लिए नेगेटिव है। FABL ने फौजी फाउंडेशन को जमीन फरोख्त करने की तजवीज दे दी, ये यानी कि देखा जाए तो एक अच्छा इकदाम होगा। जबकि पाक रुपीज ने गेन किया 14 पैसे डॉलर के अगेंस्ट और तेल की कीमतों में देखा जाए तो वीकली बेसिस के ऊपर जो इजाफे की राह पर यानी कि वीकली बेसिस ट्रैक पर आ चुकी है ऑयल की कीमतें, वंस अगेन इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि अपने लेवल पर आ चुकी है। इसके अलावा देखा जाए तो एग्रीमेंट हो गया नेटसोल का, देखा जाए तो एग्नाइट के साथ एक बड़ा मुआहिदा हो गया है जो कि नेटसोल कंपनी के लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव होगा। अच्छा, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो काइबोर में भी यानी कि काइबोर भी गिर गया है 52 पॉइंट्स, यानी कि गिर चुका है पॉइंट्स गिर चुका है, तो ये भी एक अच्छी बात है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 1,000 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि CPI में हम देखें तो स्लाइटली इजाफा हुआ है वीकली बेसिस के ऊपर। तो ये सारी खबरें थी जिनके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट के हिसाब से हमने देखा कि वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट आपकी पॉजिटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका, ओवरऑल अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल इस वक्त $76 के पास ट्रेड कर रहा है, $76.52 के पास, और क्रूड ऑयल आपका 35 सेंट का इजाफा हो चुका है। क्रूड ऑयल 77 से लेकर 79 तक जा सकता है अपसाइड की तरफ, हायर साइड पर प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड में 4.5 डॉलर का इजाफा है, जबकि सिल्वर में 6 सेंट की कमी है। गोल्ड सिल्वर आपके मजीद स्ट्रांग हो सकते हैं, 2480 से लेकर 2510 तक गोल्ड मूव कर सकता है और सिल्वर आपका मूव कर सकता है 28 से लेकर 29 तक मूव कर सकता है। गोल्ड सिल्वर तेजी की तरफ है, जबकि डॉलर इंडेक्स में स्लाइटली इजाफा हुआ है, हायर साइड पर जाकर थोड़ा डिक्लाइन कर सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, 79,084 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 78,200 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर हम देखें तो वीक के हिसाब से जो मार्केट ओवरसोल्ड थी अब ओवरबोर्ड हो चुकी है 686 पॉइंट। इस वजह से हमने देखा कि लास्ट मोमेंट के ऊपर जब मार्केट आपकी हायर साइड पर थी तो इसलिए करेक्शन जनरेट हुई। अगर हम मंथ के हिसाब से देखें तो 792 पॉइंट ओवरसोल्ड है अब भी, और अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 8,000 पॉइंट अब ओवरबोर्ड हो चुकी है, क्योंकि पॉइंट जो 6,500 थे ओवर यानी कि थोड़े से पॉइंट कम हो गए थे, अब ओवरबोर्ड में इजाफा हो रहा है। जब ये 10-12,000 पॉइंट के करीब पहुंचेगी तो ज्यादा ओवरबोर्ड नजर आएगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम मार्केट के हवाले से देखें कि मार्केट ने मूव किस तरह से करना है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने है।
कल की जो पिक्चर थी उसी को थोड़ा अमेंडमेंट करके थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। और कल जैसे कि हमने आपको कहा था कि 78,000 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, और 78,800 रिस्टन लेवल भी बताया गया था। मार्केट अगर देखे तो मार्केट उसी पॉइंट पे जाके रुकी और वहीं से मार्केट ने करेक्शन ली है, और करेक्शन के साथ मार्केट क्लोज रही है 78,000। अगर हम इंडेक्स के हिसाब से देखें तो 78,570 यानी 69 के करीब मार्केट क्लोज रही है। अब देखिए टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से आपके पास 78,800 रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी ओवरबोट हो चुकी है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो मार्केट ने 77,000 से रिकवरी ली है उस हिसाब से मार्केट थोड़ा सा ओवरबोट है। तो स्टार्टिंग में मंडे वाले दिन थोड़ा सा मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं होगी। अगर मार्केट अपने 200-300 पॉइंट करेक्ट करती है, 400 पॉइंट करेक्ट करती है, तो इसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जिस तरह पहले आप देख रहे थे कि 200-300 पॉइंट माइनस भी होती थी, लेकिन इसमें ऑटो सेक्टर्स आपका जो यानी कि सीमेंट दूसरे सेक्टर्स जो तेजी से इजाफा हो रहा था, ऑटो के अलावा फर्टिलाइजर के अंदर, बैंकिंग के अंदर, इनमें इजाफा हो रहा था। इसी तरीके से मंडे वाले दिन अगर मार्केट आपकी वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी, लाइक करेक्शन की फेज में रहेगी, तो इसमें सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी, उसमें आपने खास ध्यान रखना है। तो मंडे वाले दिन हमारी सपोर्ट आ रही है 78,000 के करीब, और रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 78,800 के करीब। 78,800 जैसे ही ब्रेक होगा देन नया टारगेट सेट होगा 79,400। इस वक्त मंडे वाले दिन के अंदर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा शॉर्ट डिप पे जा सकती है, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है। अच्छा, जो स्टॉक हायर पे जाए उनमें प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कीजिएगा ताकि डिप पर दोबारा लेने का मौका मिले। इसके अलावा अगर हम यानी कौसम एंड मारी के टारगेट्स की बात करें, तो देखिए कौसम का जो टारगेट है, कौसम ने अपना 6.35 का एक लेवल ब्रेक कर दिया है जो कि ब्रेकआउट लेवल है। एक करेक्शन जनरेट हुई थी जिसमें हमने आपको करेक्शन करवाई और फिर बाय कॉल भी दी। इस हिसाब से कौसम अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो 7.40 है और 8.5 रुपए, 6 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा। 6 ब्रेक कर दिया तो नई टारगेट अचीव करेगा, वरना 7.40 से लेकर 8.5 का लेवल अचीव करेगा। मारी का अगर हम देखें तो मारी आज भी अपर लॉक पे क्लोज हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट 3300 है और इसके बाद जो टारगेट होगा वो 3800 का टारगेट होगा। सपोर्ट लेवल में जो होगा वो 2750 अगर ब्रेक कर दिया तो ये टारगेट अचीव नहीं होंगे, ये दोनों के टारगेट से। इसके अलावा मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो अभी काफी सारे सेक्टर्स बाकी हैं जिनमें रैली बनना बाकी है। जैसे सीमेंट सेक्टर है, इसमें अच्छी रैली बन सकती है, एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। फार्मास्यूटिकल्स है जो एक्यूमुलेट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें ऑयल एंड गैस सेक्टर जो आज नहीं परफॉर्म किया, लेकिन आने वाले वीक के अंदर बेहतर परफॉर्म करेगा, रिफाइनरीज परफॉर्म करेंगी। और साथ साथ अगर हम देखें तो आज आईटी सेक्टर ने एक अच्छा मौका दिया, उनमें मंडे वाले दिन यानी नेक्स्ट वीक के अंदर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जनरेट होगी। अगर हम थोड़ा सा अगर वीकली बेसिस के ऊपर भी देखें तो गेल ने अच्छा खासा गेन किया है, 26 रुपये, यानी कि देखा जाए तो गेल ने 16 रुपये का यानी गेन किया ऑलमोस्ट। इसी तरीके से जी एच एन आई का अगर हम देखें तो जी एच एन आई ने भी तकरीबन देखा जाए तो जी एच एन आई ने भी 43 रुपीज का गेन किया। इस तरह बहुत सारे स्टॉक्स थे जो इस वीक के अंदर पहले से गेन कर चुके थे, इस वजह से आज के दिन थोड़ा स्लो रहे, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर दोबारा अपनी रैली को कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। तो कोशिश ही करें कि हायर से अपने नफा जरूर बुक करें ताकि डिपर लेने का मौका मिलता है इन चीज़ों में और इन स्टॉक्स के अंदर। स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीजों को बताया जा रहा होता है, हाईलाइट किया जा रहा होता है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो दूसरे हाउसेस के अंदर यानी कि कोशिश कर रहे होते हैं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मगर नहीं मिल रही होती। सही इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।